फ्रेंड्स आईपीएल 2020 शुरू होने में अभी काफी समय बचा है, लेकिन आईपीएल 2020 का ऑक्शन यानी नीलामी अब जल्द शुरू होने वाली है। और इस ऑक्शन से पहले जो सारी 8 आईपीएल टीमें ऑक्शन की तैयारियों में लग चुकी है, जुट चुकी है, वही करंटली पंजाब, इसके अलावा केकेआर और आरसीबी की टीम फिलहाल इस ऑक्शन की तैयारियों में काफी एक्टिव दिख रही है। ये तीनों टीमें ऑक्शन के लिए काफी जल्दी से एक्टिव थी और तीनों ही टीमों ने ऑक्शन के लिए काफी अधिक प्लेयर रिलीज कर दी है। जहां अगर हम बात करें केकेआर की या फिर बात करें आरसीबी की या फिर बात करें पंजाब की, तो इन तीनों ही टीमों ने अपने काफी बड़े और काफी एक्सपेंसिव प्लेयर को इस ऑक्शन के लिए टीम से बाहर किया था। इसके अलावा पंजाब, केकेआर और आरसीबी की टीम, इन तीनों ही टीमों के पास इस ऑक्शन के लिए काफी अधिक पर्स मनी थी, जहां पंजाब के पास लगभग 42 करोड़, केकेआर के पास अराउंड 36 करोड़, वही बात करें अगर हम आरसीबी की तो अराउंड 28 करोड़, इन तीनों टीमों के पास काफी अधिक अमाउंट था। लेकिन अब ऑक्शन से पहले इन तीनों टीमों के लिए एक साथ एक बड़ी बुरी खबर निकल कर आई है। दरअसल तीनों टीमों के लिए ऑक्शन प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन अब ऑक्शन से लगभग 2 सप्ताह पहले ही इन तीनों टीमों को एक बड़ा झटका लगा है और हो सकता है इसका नुकसान इन तीनों टीमों को एक बार फिर आईपीएल 2020 के सीजन में देखने को मिले। मैं इस वीडियो में आपके साथ वही डिस्कस करूंगा कि आखिर तीनों टीमों के लिए क्या बुरी खबर है इस ऑक्शन से पहले और अब क्या सॉल्यूशन ये तीनों टीमें देख रही है। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन और सारे अपडेट्स इस वीडियो में दूंगा। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम जीते आईपीएल 2020 का सीजन, तो नीचे का लाइक का बटन दे उसको जरूर दबा दे और हमारे चैनल को जरूर कर दे सब्सक्राइब। फ्रेंड्स इस ऑक्शन से पहले किंग्स इलेवन पंजाब की टीम, इसके अलावा केकेआर की टीम, इसके अलावा आरसीबी की टीम, ये अपने ओवरसीज तेज गेंदबाजों को रिलीज कर चुकी थी, टीम से बाहर कर चुकी थी। स्पेशली पंजाब की टीम एंड्रोटाई को छोड़ चुकी थी, वही अगर हम बात करें आरसीबी की तो ये टीम डेलिस्टेन को छोड़ चुकी थी। अब इन तीनों टीमों को करंटली नीड है ओवरसीज तेज गेंदबाज की, जो कि इस टीम के लिए लीड करे, इस टीम को फ्रंट से लीड करे, यानी बड़े गेंदबाज की इन टीमों को आवश्यकता है, जो कि सारे गेंदबाजों को साथ लेकर चले। यानी ये टीम बड़े गेंदबाज के पीछे इस ऑक्शन में डेफिनेटली जाने वाली थी और तीनों ही टीमें मिचेल स्टार्क को टारगेट कर रही थी इस ऑक्शन के लिए। लेकिन अब इन तीनों टीमों के लिए बड़ी बुरी खबर यह है कि मिचेल स्टार्क ने अपने आप को ऑक्शन से बाहर कर लिया है, यानी वो आईपीएल 2020 के सीजन से लगभग पूरी तरह बाहर है। जहां ऑक्शन के लिए उन्होंने अपना नाम बिल्कुल भी नहीं दिया, ऑक्शन के लिए अराउंड 250 से 300 विदेशी प्लेयर आए हैं, इसमें मिचेल स्टार्क का नाम नहीं था, यानी अपनी इंजरी के चलते वो अब एक और आईपीएल सीजन से दूर जाते हुए हमें दिख रहे हैं और अब वो इस ऑक्शन में नहीं आने वाले। यानी इन तीनों टीमों के लिए एक बड़ी बुरी खबर है, ये टीम मिचेल स्टार्क को आईपीएल 2020 के सीजन के लिए देख रही थी, लेकिन अब इन तीनों टीमों को मिचेल स्टार्क के बिना ही इस सीजन में खेलना पड़ेगा। इन तीनों टीमों से कोई ना कोई एक टीम मिचेल स्टार्क को जरूर खरीद लेती, लेकिन अब इन टीमों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। अब ये टीम फैट कमिंस, इसके अलावा जोश हेजलवुड, इसके अलावा केन रिचर्डसन, ऐसे गेंदबाजों के पीछे जाएगी। हो सकता है ये टीम डेल स्टेन के भी पीछे जाए, इनको भी खरीदने का अधिक प्रयास करे, लेकिन अब इन तीनों टीमों के लिए ऑक्शन से पहले एक बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है, स्पेशली अपना ओवरसीज गेंदबाज छोड़कर। तो फ्रेंड्स करंटली ये बड़ी बुरी खबर इन टीमों के लिए है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ये टीम ऑक्शन में अब कौन सा ओवरसीज गेंदबाज खरीदेगी। वही इसके साथ वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।